सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हमने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था, जिसमें हमने लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी। ओके, सो उसी में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी पढ़ी थी, और इसके सब्जेक्ट के हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे आपको। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट के अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही क्वेश्चंस को अपना अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमने इसके सॉल्यूशन की PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दी है, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्म में। तो मैं उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसके अपने फोर्थ क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया आपके AKTU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्टली, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा या क्या क्या समझना होगा या कैसे पूछ सकते हैं, यानी रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, फ्लो पैटर्न, एप्लीकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपने रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट अपने लैब में परफॉर्म किया होगा। ओके, एंड इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब या डिस्कस, ओके, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एलुसिडेटिंग टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न। ओके, बेसिकली इसमें होता क्या है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या बताता है आपको, जो आपका फ्लो हो रहा है कोई भी लिक्विड है ना, तो वो कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फ्लो उसका कौन से पैटर्न को फ्लो है जो वो फॉलो कर रहा है, वो लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट है, ये सारी चीज़ों को बताता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, देख लेते हैं। सो बेसिकली, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ डायमेंशन लेस नंबर यूज इन फ्लूड मैकेनिज्म टू क्लासीफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से फ्लूड मैकेनिज्म है जो कि क्लासीफाई करता है फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूड को, यानी जो आपका फ्लो है किसका, फ्लूड का, उसके बिहेवियर को बताता है कि वो कितने टाइप से फ्लो कर सकता है कोई भी लिक्विड। ठीक है, द फ्लूड फ्लो कैन बी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि जो आपका फ्लूड है वो लेमिनार हो सकता है या टर्बुलेंट हो सकता है। ठीक है, ये इसके दो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से, या लेमिनार हो सकता है या टर्बुलेंट हो सकता है। ठीक है, और अभी एक और आगे आपको मिलेगा, ऐसा भी है कि लेमिनार टू टर्बुलेंट, ये भी एक इसका क्लासिफिकेशन में आप लिख सकते हो, अभी देखते हैं उसको भी। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं लैमिनार फ्लो बेसिकली होता क्या है। सो लैमिनार फ्लो इज़ अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो आपका लैमिनार फ्लो होता है वो कैसा स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है कि ये जो लिक्विड है वो सीधी लाइन में एक तरीके से इस पैटर्न में फ्लो हो रहा होता है। ये देखिए, लैमिनार फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ओके ओके, और ये क्या करता है, फ्लूड फ्लो करता है इन पैरेलल लाइन या लेयर्स में, ये इसकी लेयर्स होती हैं, ये सारी लेयर्स हैं, ये कई सारी लेयर्स हैं, ये ब्लैक से जो दिख रही थी आपको लेयर्स हैं, देखिए एक मिनट, सो ये आपको दिख रही है कई सारी लेयर्स हैं, तो लेयर्स में क्या है, स्ट्रीम लाइन, यानी कि एक तरीके से पैरेलल लाइन में है ना फ्लो करती हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने किसकी, टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, टर्बुलेंट फ्लो अकर व्हेन द फ्लूड अंडरगोज इररेगुलर फ्लक्चुएशंस, ओके, और मिक्सिंग इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैमिनार फ्लो। बेसिकली आप इतना समझ लो कि जिगजैग जो फ्लो होता है वो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। अब जिगजैग क्या है, या फिर इस तरीके का कोई फ्लो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से कोई भी लेयर्स कैसी भी जाके फ्लो कर रही हो, है ना,
ये भी आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एक लाइन ये जा रही, फिर ऐसे जा रही, ऐसे, यानी इसका कोई भी एक तरीके से क्लियर नहीं है कि ये किधर का फ्लो कहाँ जा रहा है, यानी पूरी तरीके से चारों तरफ फ्लो होते हुए जा रहा होता, वो कहलाता आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, यानी जिगजैग टाइप फ्लो। ओके, ये भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। और ये चीज़ एक आप देख लीजिए कि लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड द बिस्कस फ्लो। ओके, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बिस्कस चीज होती है उसका जो फ्लो होता है कैसा होता है, लैमिनार फ्लो होता है ना। अब बिस्कस चीज़ क्या है, जो भी गाढ़ी चीज़ होती है, ठीक है, बिस्कस होती है, उसका जो फ्लो होता है कैसा होता है, लैमिनार फ्लो होता है। ओके, जैसे कि आप अगर बात कर लेते हो कि पानी की और किसकी, आप पानी की बात करिए और शरबत की बात करिए, तो पानी का जो फ्लो होगा वो लैमिनार फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो गाढ़ा बहुत ज़्यादा शरबत या चाशनी होगी उसका फ्लो लैमिनार फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो बेसिकली क्या है कि इसके देखिए इंटरनल फोर्स, इसमें मतलब कितना फोर्स लग रहा है, ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। सो इंटरनल फोर्स क्या होता है, FI, है ना, ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर लिख देना, मेंशन करना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। सो इंटरनल फोर्स इसमें कितना लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो आया है आपका वेलोसिटी एंड टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। सो ये इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, विस्कस फोर्स को शियर स्ट्रेस एंड एरिया। अब शियर स्ट्रेस और एरिया जिसमें क्या है, रेनॉल्ड्स जो एक तरीके से है उसमें क्या है, इंटरनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इंटरनल फोर्स यानी जो उसमें फोर्स लगाया गया, विस्कस फोर्स क्या, जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ी उसका फोर्स, ठीक है। एंड ये आप लिख देंगे क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जो उसमें स्ट्रेस फोर्स लगाया गया है, यानी जो फोर्स लगाया गया है, एंड इंटू एरिया। ओके, अगर आप इन ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ भी दें लेकिन इसको नहीं छोड़ना है आपको, रेनॉल्ड्स नंबर कैन बी ऑब्टेंड एज RE अपॉन DV रो अपॉन U, ये फॉर्मूला सबसे मेन है। अगर आप ऊपर वाले को यहाँ से छोड़ भी देते हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बट दिस वन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, दिस पॉइंट। ओके, यानी रेनॉल्ड्स नंबर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब RE क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, D क्या है, पाइप का डायामीटर, और आपको जो V है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी थ्रू द पाइप, ओके, मीटर पर सेकेंड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, ओके, किलोमीटर पर क्यूब। एंड ये क्या है आपका, म्यू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड, ठीक है, किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ये आपको दो पॉइंट और इसमें लिख देने हैं, कौन सा पहला पॉइंट, ये रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूड डेंसिटी। अब यहाँ हम लोग की फ्लूड डेंसिटी क्या थी, ये देखिए डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, ओके, क्या थी हम लोगों की, रो, ओके। सो आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए रेनॉल्ड्स नंबर RE क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, है या नहीं है, है ना। अब देखिए इन, और इसका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द फ्लूड वेलोसिटी दैट इज म्यू, ठीक है। सो आई होप आपने ये भी देखा होगा कि जो आपका क्या है, डी है, ठीक है, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, इसकी वैसे कोई यूनिट होती नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सारा है m into m upon s into kg upon meter cube हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, m से ये, और ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। सो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। अगर आप बात करते हैं कि इसको किसने, रेनॉल्ड्स नंबर को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि सर
जर्स स्टोक्स ने इसको क्या किया था, आपको इंट्रोड्यूस कराया था इससे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इसके एक्सपेरिमेंट के, रेनॉल्ड्स नंबर के एक्सपेरिमेंट के। आई होप आपने ये अपनी लैब में परफॉर्म किया होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बहुत कम पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो को, ठीक है, जो कि क्लोज चैनल पाइपलाइन में होता है, यानी कि एक जो पाइपलाइन में पानी फ्लो हो रहा है उसके हम लोग फ्लो बिहेवियर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, या उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि पानी वाली जो पाइप होता है, नली होती है जिसे आप बोलते हो सिंपली, उसमें जो पानी जा रहा होता है वो कौन सा फ्लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लैमिनार या फिर टर्बुलेंट या लैमिनार टू टर्बुलेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अंडर स्टूड करते हैं, ठीक है, समझते हैं। ओके सो बेसिकली ये हो गया। अब ये यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है इसका, ये देखिए ये इसका कुछ एपरेटस होता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम लोग ये सारी चीज़ों को करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिवर्सिबल फील्ड विद अ डाई, इसमें क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या कहला रहा है आपका, रिवर्सिबल फिलर्ड यानी कि जिसमें फिल किया जा रहा है, इसमें डाई होती है आपकी, ठीक है, डाई के साथ। एंड वॉल टू कंट्रोल फ्लो रेट ऑफ द डाई, अ ग्लास ट्यूब इज वाटर टैंक फील्ड विथ वाटर एंड अनदर वॉल फील्ड टू द ग्लास ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, ये एक आपकी वॉल्व है और इस तरीके से आपका जो ट्यूब है आता है और यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है और ये आपका ग्लास ट्यूब लगा होता है, ठीक है, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये डाई है, डाई यहाँ से फ्लो कर रही होती है और यहाँ से आपका पानी भी फ्लो कर रहा होता है और डाई इसके साथ में फ्लो कर रही होती है। ओके इस पाइप से पानी आ रहा है, देखना थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा, क्या है कि इस पाइप से आपका पानी आ रहा है और यहाँ से इसमें डाई मिक्स होती जा रही है और फिर ये डाई से ही अंडर हम लोग अंडर स्टूड करते हैं, चूँकि पानी है जैसे ये फ्लो कर रहा है। अब पानी कैसा है, उसमें तो कोई कलर होता नहीं है, है ना, तो पानी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब डाई यहाँ से मिक्स होकर आ रही है, डाई का जैसे अगर ऐसे ऐसे फ्लो है डाई का, तो हम जानेंगे ये टर्बुलेंट फ्लो है, लेकिन अगर यही डाई सीधी जा रही है तो हम लोग जान जाएंगे लैमिनार फ्लो है, ठीक है। और यहाँ पे ये वॉल्व होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ से इसको हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कौन सा फ्लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा करेंगे इस वॉल्व से, तो इसका फ्लो चेंज होता रहता है, फ्लो बिहेवियर, ठीक है। तो आपको सिंपली ये बना देना है स्ट्रक्चर इस तरीके का, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर क्या है, ये चीज़ें और आपको दिखा देनी है कि अगर इस तरीके का फ्लो है ना, तो ये कैसा है, ट्रांजिशनल फ्लो है, सीधा जा रहा है इस तरीके से, लैमिनार फ्लो है, थोड़ा सा ऐसा सा ट्रांजिशनल फ्लो, जैसे कि आपको क्रिटिकल जोन भी बोल सकती हो, और इस तरीके का है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे 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 कहीं भी जा रहा है, तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला देख लेते हैं पॉइंट, लो फ्लो रेट अगर होता है तो वो कैसा होता है आपका, स्टडी एंड अनब्रोकन, यानी कि स्टडी एंड अनब्रोकन, यानी कि अगर जो लाइन है ऐसी वो ब्रोकन नहीं हो रही, यानी टूट नहीं रही है, तो वो आपको इंडिकेट करता है लैमिनार फ्लो को। अगर इस तरीके से सीधे जा रहे, कहीं टूट नहीं रही है, ब्रोकन नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाता है आपका, लैमिनार फ्लो। सेकंड पॉइंट, फ्लो रेट इंक्रीज, जब फ्लो रेट को आप बढ़ाते हो, ठीक है, तब इसमें क्या होता है, बिकम इरेगुलर, तो ये क्या होता, थोड़ा सा इरेगुलर होने लगता है इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा इरेगुलर होता है। जब क्या करते हो आप, इंक्रीज कर देते हो फ्लो रेट को, यानी फ्लो बढ़ा देते हो उस समय, तो ये आपका कैसा हो जाता है, ट्रांजिशनल फ्लो और क्रिटिकल जोन, इस ये फ्लो कहलाता है। फिर थर्ड वाला, फ्लो रेट इंक्रीज फर्दर, जो आपका इसमें फ्लो रेट था उससे और बढ़ा देते हो, तो ये बिकम करता है टर्बुलेंट, यानी टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है इस तरीके का, जिगजैग लाइक। ओके एंड द डाई फिगमेंट बिकम टू ऑसिलेट एंड इवेंचुअली, देखिए इसमें क्या होता है, फिर ये आपका फ्लो जो हो जाता है कैसा कहलाता है, ये आपका कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। ओके दिस एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन डिमोन्स्ट्रेट द ट्रांजिशन फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, ये आपको बताता है लैमिनार से, जैसे ये आपका आया लैमिनार, फिर ये कैसा हुआ ट्रांजिशनल, फिर ये आपका टर्बुलेंट, इस तरीके का जिग जैक।
बल्कि ऐसे ऐसे कहीं भी जा रहा हो, ठीक है, ये सारे फ्लो हैं आपके, इसको आपको बताता है, यानी लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो टू बी द आइडेंटिफाई, इसको आप आइडेंटिफाई करते हो। ओके, अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूड विल बी पुट प्रेशर ऑन द पाइप। जो फ्लूड होता है वो क्या करता है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है आपके पाइप में, तो पाइप के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है, दिस प्रेशर मे बी ब्रेक द पाइप। ओके, सेकेंड पॉइंट, रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो विस्कस और टर्बुलेंट इन द पर्टिकुलर सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडीशंस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है इसके थ्रू आप जान सकते हो कि कोई भी लिक्विड है वो विस्कस है, ठीक है, या नहीं है। क्योंकि अगर विस्कस होगा तो कैसा टर्बुलेंट उसका कैसा लैमिनार फ्लो होगा, अगर विस्कस है तो, ठीक है, हमने ये पहले पॉइंट पढ़ा है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, फॉर द फ्लूड थ्रू अ पाइप, इसमें क्या होता है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर अप टू द 20 100 अगर होता है तो वो फ्लो क्या करता है, लैमिनार टू स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ये नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वहाँ भी इसको लिख सकते हो, क्या जो 2021 जो वैल्यू होती है वो आपका लैमिनार टू स्ट्रीम लाइन फ्लो होती है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर जो आपका 4000 होता है उसमें आपका क्या होता है, फ्लो बिकम टर्बुलेंट होता है। और अगर यही किसके बीच में हो, 2100 से 4000 के बीच में है, तो ये जो पैटर्न होता है अनस्टेबल होता है और ट्रांजिशनल रीजन एक्सिस्ट करता है, यानी ट्रांजिशनल लेवल्स में एक्सिस्ट करता है, या ये लेवल कहलाता है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और भी इसके थोड़े से सिग्निफिकेंस आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको PDF शेयर कर दूँगा, चूँकि टाइम बहुत हम लोग पास कम है, हमको दूसरे भी वीडियो क्लियर कराने हैं, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके PDF भी आप डाउनलोड कर लेना। सो आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे, सो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो भी आपको इशू आ रहे हैं समझने में तो प्लीज़ आप मुझे अभी बता सकते हो, तो मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, चूँकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मुझे सिलेबस बहुत जल्दी कम्प्लीट कराना है, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत हैं, ठीक है। और मेन चीज़ है कि थोड़ा सा हम समझा दे रहे तो आप जल्दी से समझ पाएंगे, और इसके नोट्स जब इसके PDF आप डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे ना, सॉरी PDF, ओके, सो क्या होगा कि आप चीज़ें सारी क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। 100% से हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझिए, और उसके बाद PDF को पढ़िए, 100% आपको याद हो जाएगा, उतना ही आपको लिख के आना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, आप पास भी हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे गेन करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।